हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे। कृष्णा के किचन में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ छोटी मोटी भूख का वो नाश्ता कि आपका अगर रोटी खाने का मन हो मगर सब्जी खत्म हो गई हो तो आप झट से बनाकर अपनी भूख मिटा सकते हैं, रोटी उससे खा सकते हैं और उसे सादा भी खा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले हमें चाहिए आलू। आप एक आलू, दो आलू। मेरे छोटे छोटे आलू हैं तो मैंने दो लिए हैं। आपके अगर मीडियम साइज का है तो आप एक ही ले लें, या फिर आप ज्यादा बनाना चाहें तो ज्यादा भी दे सकते हैं। सबसे पहले आलू को छील लीजिए और छीलने के बाद आप ऐसे कट कीजिए, फिर ऐसे कट कीजिए और इसके पतले पतले पीसेस काट लीजिए। आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए चिप्स से काफी मोटे हैं, आप चिप्स की तरह मत काट लीजिएगा। और अब कर दीजिए इनमें पानी, अच्छे से धो लीजिए और धोने के बाद इसे निकाल लीजिए एक बर्तन में। अब कर लीजिए गैस को ऑन, उस पर रख दीजिए कढ़ाई। आपके पास पैन हो तो आप पैन में भी बना सकते हैं। इसमें जो हल्का पानी था वो निकाला है मैंने। कढ़ाई या पैन जो भी है गर्म हो जाए उसमें ऑयल डाल दीजिए हल्का सा। जैसे ही आपका ऑयल गर्म हो आप इसमें कटे हुए आलू डाल दीजिए। आलू आप आराम से ही डालिए क्योंकि आलू में हल्का सा पानी है, तो तेल आपके ऊपर उतर के आ सकता है। और इनको कर लीजिए हल्का सा फ्राई। साथ ही डाल दीजिए इसमें थोड़ा सा नमक और गैस का फ्लेम कर दीजिए स्लो टू मीडियम और एक प्लेट लेके उसे रख दीजिए। फ्रेंड, तब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक हम प्याज, टमाटर और दो हरी मिर्ची कट कर लेते हैं। मैंने मीडियम साइज के लिए भी बता चुकी हूँ, अगर आप ज्यादा बनाना चाहें तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, एक और प्याज, एक और टमाटर और हरी मिर्ची, आप जितना बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। इनको कर लीजिए कट। फ्रेंड, बीच में इसे चलाना भी है, बस ढक के छोड़ देना नहीं है, इसे चलाना भी है। ये देखिए आलू बहुत जल्दी ही फ्राई हो जाता है, आपको ऐसे चलाते हुए फ्राई करना है। हल्का सा और ढक दीजिए करीब आधा एक मिनट के लिए। तो फ्रेंड, ये देखिए आलू फ्राई हो गए, आलू फ्राई हो चुके हैं, आप देख पा रहे होंगे आलू पे ले रहे हैं। और मैं आपको फोड़ के भी दिखा देती हूँ, ये देखिए आराम से फोड़ रहे हैं, हो गए हैं, यानी कि गए हैं, इनको निकाल देते हैं। तो फ्रेंड, मैंने इनको कट कर लिया है। तो फ्रेंड, कढ़ाई यहाँ पे पहले से ही गर्म है मेरी और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा जीरा। जीरा जैसे ही चटके हम इसमें डाल देंगे कटी हुई प्याज और डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्ची। इनका तो भूलेंगे, इन्हें ज़्यादा फ्राई करने नहीं करना है, इनको बस सॉटे करना है। सॉटे बोले तो इसका कच्चापन निकल जाए, बस हमें गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखें। अब इसमें डाल दीजिए टमाटर, टमाटर को भी हमें कम ही पकाना है। और इसमें डाल दीजिए हल्की सी हल्दी, हल्का सा डाल दीजिए चाट मसाला और हल्का सा डाल दीजिए इसमें काली मिर्च पाउडर। और इसमें डाल दीजिए ये आलू फ्राई किए हुए। और स्वाद अनुसार डाल दीजिए इसमें नमक, नमक हमने पहले आलू में भी डाला था तो आप अपने स्वाद के अनुसार ध्यान से डाल दीजिए। अच्छे से कर दीजिए मिक्स, गैस का फ्लेम कर दीजिए बंद और हल्का सा डाल दीजिए इसमें मैगी मसाला, ज़्यादा नहीं, बस आधी छोटी चम्मच। और इसमें डाल दीजिए हरा धनिया बारीक कटा हुआ। बस हमारा रोटी खाने के लिए सब्जी तैयार है। और इसे परोसने से पहले आप इसमें डाल दीजिए नींबू, और अगर आपके पास उबले हुए चने रखे हों तो आप वो भी डाल सकते हैं। जिस टाइम हमने आलू डाले थे उसी टाइम आपकी अच्छी खासी चाट बनके तैयार हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो भी बताइए और अच्छी ना लगी हो तो भी बताइएगा। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं और सादा भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये नई सब्जी? रोटी के साथ खा सकते हैं और बिना रोटी के साथ भी खा सकते हैं।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हूँ ऐसी किसी छोटी मोटी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।